राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी की ब्यूटीफुल समर ड्रेस, जिसके लिए मैंने कुछ इस तरह का कॉटन फैब्रिक पिंक कलर में यूज़ किया है। सेम पिंक कलर, लाइट पिंक कलर में मैंने नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। ये शेडेड नेट है, आप प्लेन नेट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉटन फैब्रिक का डायमीटर का सर्कल कट कर लिया है। ये मैं 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 7 इंचेस का डायमीटर कट किया है। आप 2-3 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो 6 इंचेस का कट करिए। 0 से 1 नंबर का बनाना चाहते हैं तो 5 इंचेस का कट करिए। अगर 6-7 इंचेस का बनाना चाहते हैं 8.5 इंचेस का कट करिए। तो इसके साथ साथ हमने बकरम का भी सर्कल कट कर लिया है। इन दोनों सर्कल्स को कुछ इस तरह से रखेंगे, फिर यहाँ मिड में से वेस्ट कट करेंगे राउंड शेप में, और एक साइड से कटिंग दे देंगे जिस तरह से हम नॉर्मल ड्रेसेस में करते हैं। ये कटिंग मैंने कर ली है। अब हम यहाँ से स्टिच लगाते हुए यहाँ पे भी स्टिच लगाएंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको। ये हमने स्टिच कर लिया बुकरम के साथ फैब्रिक को। अब हमने लेस ली है गोल्डन कलर की। आप किसी भी मैचिंग कंट्रास्टिंग फैब्रिक की स्ट्रिप ले सकते हैं या फिर लेस ले सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से पूरी बाउंड्री पे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमने लेस अप्लाई कर ली है। अब इसके बाद हमने नेट की फ्रिल बनानी है। तो नेट का फैब्रिक की लेंथ आपने किस तरह से नापनी है, आप ये घेरे का नाप ले लीजिए। ये यहाँ से कितना आता है उससे आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, या जितनी ये लेंथ आती है आपकी तैयार लेंथ वेस्ट कटने के बाद, उतनी लेंथ की आप स्ट्रिप ले लीजिए। और विड्थ डिपेंड करती है कि आप उसमें कितनी चुनटे डालते हो। ये देखिए, मैंने इस नेट की स्ट्रिप को इसके लगा के देखा, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, हल्की सी एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मशीन से रनिंग स्टिच देना है, फिर उस स्टिच को खींचना है, तो जिससे ये कुछ इस तरह से फ्रिल बनेगी, बहुत प्यारी सी फ्रिल बनेगी। तो इसकी विड्थ आप जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा गहरी चुनटे डलेंगी और फ्रिल जो है अच्छी बनेगी, तो ड्रेस अच्छी लगेगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रनिंग स्टिच लगा लिया है। मशीन का जो स्टिच होता है उसको बड़ा करके फिर मैंने पूरे में स्टिच दिया है। अब इस तरह से थ्रेड को खींचेंगे तो ये चुनटे डल जाएंगी। ये स्ट्रिप मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4x40 इंचेस की ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें आपको इस तरह से चुनटे डालनी है, देख लीजिए, चुनटे डाल के आपको ये वाला जो साइज़ है ये इस वेस्ट के जितना कर देना है। अगर आप स्ट्रिप की विड्थ कम ले रहे हैं तो आपको जो है कम चुनटे डालनी है, अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उतनी ज़्यादा चुनटे डल जाएंगी। तो ये आपकी स्ट्रिप की वेस्ट पे टोटली डिपेंड करता है कि चुनटे कितनी गहरी या हल्की आएंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से चुनटे डल गई, इनको सेट कर लीजिए। अब इस फैब्रिक को यहाँ पे रखिए, ये देखिए वेस्ट के बराबर आ गया। अब इसको इसके साथ हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए, हमने फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब बारी आती है इसके ऊपर स्ट्रिप लगाने की। फिनिशिंग के लिए हमने इस फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है, आप नेट की भी स्ट्रिप ले सकते हैं या दोनों को मिला के भी स्ट्रिप ले सकते हैं, मतलब इसकी भी ले लीजिए और नेट की भी ले लीजिए। नेट के नीचे रखिए, देन ये रखिए, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से अटैच करिए और फोल्ड करके अटैच कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह का घेरा हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सिंपली लेस की चोली बना सकते हैं। लेस को कट करिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से रखिए दो लेसेस को यहाँ पे इस तरह से, और फिर इधर लेस वगैरह या फिर डोरी अटैच कर दीजिए। मैंने 9 इंच की लेस को कट किया है, उसके 2 पीसेस कर लिए, तो ये 4.5 इंचेस के 2 पीस हो गए। इन दोनों पीसेस को इस तरह से रख के यहाँ पे रिबन या फिर इसी फैब्रिक की स्ट्रिप ऐड कर सकते हैं, तो ये चोली कुछ इस तरह से पीछे जाके टाई अप हो जाएगी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप फैब्रिक की स्ट्रिप बना के उसके ऊपर ये लेस अटैच करके भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह फैब्रिक की स्ट्रिप बना लीजिए, जैसे हम हर एक वीडियो में बनाते हैं, कुछ इस तरह से फोल्ड करके फैब्रिक की स्ट्रिप बना लीजिए, उसके ऊपर ये लेस अटैच करिए।
फिर वही पैटर्न सेम दोनों स्ट्रिप्स को कट करके यहाँ पे लेस अटैच करिए, या फिर आप नेट की स्ट्रिप लेके उसके ऊपर ये लेसेस अटैच कर सकते हैं। तो चोली पूरी तरह से आप पे डिपेंड करती है कि आप किस पैटर्न में बनाना चाहते हैं। मैं जो बना रही हूँ चोली वो आप देख लीजिए, मैंने एक 9 इंचेस की स्ट्रिप ली है फैब्रिक की, सेम स्ट्रिप ली है नेट की, 9 बाय 2.5 इंचेस या 3 इंचेस ले लीजिए। इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके स्ट्रिप बना लीजिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं लेस अप्लाई करूँगी, इसको हाफ हाफ में कट करके जो लेस मैंने कट की करी है वो दोनों साइड लग जाएगी। ये देखिए, ये हमने 4.5-4 इंचेस की 2 स्ट्रिप्स रेडी कर ली है, उसके ऊपर हमने लेस अप्लाई कर ली है। अब इन स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लेस अटैच कर देंगे, या फिर गोटा डोरी या फिर सेम इसी फैब्रिक की इस तरह से स्ट्रिप बना लीजिए जो वेस्ट पे टाई अप हो जाए इस तरह से। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो रेडी है ये चोली बन के, ये कुछ इस तरह से बैक की ओर जाएगी दोनों शोल्डर्स, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से टाई अप हो जाएगी। तो ये है ड्रेस का फाइनल लुक। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रेस को घर पे ट्राई भी जरूर करें। ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आप इसे और डेकोरेट करना चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आप किसी भी फेस्टिव पे पहना सकते हैं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।